तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बीगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। सो आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे रहीजा डेवलपर लिमिटेड के नए प्रोजेक्ट जो कि आया बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 88A में, और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है रहीजा राष्ट्र करके प्रोजेक्ट है इनका। और एक ये मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है जिसमें आपका कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉटिंग और SEO इस हिसाब से कॉन्सेप्ट रहने वाला है, और ये आ जाता है सेक्टर 88A ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो चलिए एक बार मैं थोड़ी सी कनेक्टिविटी आपको समझाता हूँ, और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखिए, अभी मैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ। इस तरफ ये सीधा आपका दिल्ली आता है 10 मिनट के डिस्टेंस पे, सेक्टर 102, फिर आपका 106, 113 और फिर उसके बाद द्वारका, और इधर जो है हमारा सीधा NH8 आता है 5 to 7 मिनट के डिस्टेंस पे। हार्डली 200-300 मीटर पे आप अगर राइट जाते हो तो राइट न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी आ जाती है, और लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो ओल्ड गुड़गांव की, और सीधा अगर हम जाते हैं तो NH8, और ये हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट की एंट्री। तो बैंग ऑन रोड है हमारा प्रोजेक्ट, ये रोड है। इस तरफ आपका लेफ्ट साइड आपका दिल्ली हो गया, ये मेन द्वारका एक्सप्रेस वे। इस हिसाब से कुछ इसकी जो है कनेक्टिविटी है। सो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। सो बैंगोन चीज आ जाती है, और अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो अगर मैं दिल्ली साइड की आपकी बात करता हूं तो डेली अराउंड 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपका डेली बॉर्डर आ जाता है, जहां पे आपका 113 है, और फिर उसके बाद जो है डेली बॉर्डर स्टार्ट होके और फिर द्वारका साइड आप लैंड करते हो। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो एक चौक बनता है, अगर आप राइट साइड जाते हो तो उस चौक से राइट साइड आपका न्यू गुड़गांव आपका जो है कि एक सीधी कनेक्टिविटी बन जाती है, जो जिसको आप एक तरह से पटौदी रोड भी बोल सकते हो। और आपको पता होगा कि गुड़गांव पटौदी 6 लेन डिक्लेयर हो चुका है और उसका भी काम चल रहा है, वहां पे सीधा आपका KMP एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी आती है। और अगर उस चौक से हम लेफ्ट साइड की बात करें तो आपका ये ओल्ड गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है, और सीधा अगर जाएंगे जहां पे मैंने आपको खड़े होकर कनेक्टिविटी समझाई थी वो सीधा आपका NH8 आता है 5 to 7 मिनट के डिस्टेंस पे, और राजीव चौक की आप बात करोगे तो 10 to 15 मिनट्स। साइबर सिटी की बात करते हैं 20 मिनट्स, और अगर IJ एयरपोर्ट की भी बात करते हैं अगर हम दिल्ली साइड से जाते हैं तो 20 मिनट का आपका डिस्टेंस रहने वाला है। सो इस हिसाब से कुछ इसकी कनेक्टिविटी है। नॉल टॉक अबाउट द बिल्डर, बिल्डर इसमें आ जाता है रहीजा डेवलपर, जो कि 30 ईयर से इस लाइन में है। 1990 में जो है कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, और जिसको हेड करते हैं मिस्टर नवीन एम रहीजा, और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है डेली गुड़गांव धारूहेड़ा पानीपत के अंदर इनके प्रोजेक्ट हैं। बात करें अगर दिल्ली की तो दिल्ली में इनका रहीजा डेली मॉल करके है, और प्लस ही अपना एक लीला स्काई विलास करके एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी वहां पे बना रहे हैं। गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में इनके SEOs भी हैं, DDJY प्लॉटिंग भी है, आपका हाई राइज रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल भी है। सो काफी प्रोजेक्ट है इनके गुड़गांव के अंदर, मेन प्रेजेंस जो है इनकी गुड़गांव के अंदर ही आ जाती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। जैसा मैंने बोला कि 26 एकड़ में इनका जो है लैंड पैच काफी अच्छा है, क्योंकि बैंगोन एक्सप्रेस वे पे आपके आ जाता है, और कहीं ना कहीं मिक्स लैंड यूज है, तो इसमें आपका कमर्शियल हाई राइज रेजिडेंशियल लो राइज फ्लोर आपकी प्लॉटिंग है और SEOs भी हैं। सो मैं आपको साइट व्यू में दिखाऊंगा कि कहाँ पे इनके SEOs आ रहे हैं, कहाँ पे इनका कमर्शियल और कहाँ पे इनका जो है हाई राइज। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में इनके SEOs हैं बैंगोन एक्सप्रेस वे पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है इनका कमर्शियल लैंड पैच है, फिर इनके हाई राइज फ्यूचर डेवलपमेंट है, और फिर उसके बाद जो है इनकी नॉर्मल प्लॉटिंग आ जाती है जिसमें ये अपना डेवलपमेंट करेंगे। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल प्लॉटिंग की, जिसका साइज आ जाता है 200, 270, 297 और 400, 200 से 400 स्क्वायर यार्ड के बीच में इनकी जो है प्लॉटिंग आ जाती है, नॉर्मल आपकी प्लॉटिंग है। और इसमें जो है आपको इसमें आपके जो है अराउंड 77 प्लॉट है, जिसके अंदर 18 प्लॉट पे वो अपने फ्लोर लेके आएगा बिल्डर। सो ये काफी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अगर मैं प्लॉटिंग की बात करता हूं तो अगर कोई आके वहां पे फ्लोर नहीं बनाता तो थोड़ा सा एक टाइम लगता है चीजों को वहां पे सेटल होने में, बट अगर बिल्डर खुद इनिशिएटिव लेके वहां पे 18 प्लॉट पे अगर वो फ्लोर बना रहे हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत जल्दी अप्रिशिएट होगा ये जो प्लॉटिंग आ रही है। बाकी लिमिटेड इन्वेंट्री है, 77 में से अगर 18 लेस कर देते हो तो आप देख सकते हो कितनी लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है। और अगर मैं इसकी बात करूं अगर अदर फीचर्स की, तो आपको 45,000 स्क्वायर फीट का इसमें आपको क्लब हाउस मिल रहा है,
बाकी जो है आपको इसमें स्टिल्ट बेसमेंट 4 फ्लोर आप बना सकते हो, और यहाँ पे बिल्डर आपको 2.64 FAR जो है आपको अप्रूव करवा के दे रहा है, जो जो कि नॉर्मली आपको कुछ FAR जो है अप्रूव करवाना पड़ता है गवर्नमेंट में, बट बिल्डर यहाँ पे आपको प्री अप्रूव्ड करवा के FAR 2.64 दे रहा है, तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा जो आपका गेटेड आपकी रहने वाली है, अंडरग्राउंड आपकी केबल है, प्लस इसमें वायरलेस वाईफाई भी बिल्डर आपको प्रोवाइड करवाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है, और क्लब हाउस भी इसके अंदर आपका है, तो और 12 मीटर आपकी इसमें रोड रहने वाली है, और इसके पीछे जस्ट वाटिका की जो आ रही है सेकेंड सिटी वो भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। लैंड पैच मैंने आपको बताया काफी अच्छा लैंड पैच है ये, सो इस हिसाब से कुछ एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। सो आइए मैं अब एक बार आपको साइट व्यू दिखाता हूँ कि कैसे साइट निकल के आ रही है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, जस्ट 2-3 दिन पहले इन्होंने अपना जो है लॉन्च किया है, और फिर उसके बाद जो है हम फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये यहाँ से इसका एंट्री गेट है, fuck back. यहाँ पे राइट साइड में इनका कमर्शियल रिटेल आएगा, आप देख रहे होंगे वहां पे वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 की साइट है वहां पे। वो ये इधर वाटिका इंडिया नेक्स्ट की टाउनशिप है, ये इधर हाई राइज रेजिडेंशियल टावर है आपके, ये भी सारी हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। ये इनका यहाँ पे कमर्शियल आएगा, यहाँ पे इनका कमर्शियल है, फिर आगे इनके रेजिडेंशियल प्लॉट है, फिर उसके बाद इनके हाई राइज डेवलपमेंट है, और फिर इनका जो है SCOs आएंगे बैंगन। वो सामने आप जो रोड देख पा रहे हो वो हमारी मेन द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है, 150 मीटर वाइड। अब एक बार आगे चलते हैं और आगे देख के आते हैं, ये पूरी कंप्लीट साइट है इनकी। थे इनके साइट।
आई होप आपको साइट व्यू पसंद आया होगा। मेरे को तो पर्सनली साइट काफी अच्छी लगी, और प्रोजेक्ट जो जैसे अगर एक लोकेशन ही मेन रोड प्ले करती है, अगर आपकी लोकेशन काफी अच्छी है, आपने देखा होगा बिल्कुल क्लीन साइट थी, हाई राइज रेजिडेंशियल भी है, उसके साथ में पीछे वाटिका की सिटी भी और बैंगोन चीज आ जाती है, तो मेरे को लोकेशन काफी अच्छी लगी इस लोकेशन की, इस प्रोजेक्ट की। सॉरी सो अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। डेवलपमेंट लिंक आपका पेमेंट प्लान है, 1 से 1.5 साल में आपकी पेमेंट जाएगी और 10% से आपकी बुकिंग है, और बाकी डेवलपमेंट लिंक प्लान है, जैसे वे बिल्डर डेवलप दिस प्रोजेक्ट वो उस हिसाब से आपसे डिमांड करेगा। बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग जो है अभी 1,50,000 पर स्क्वायर यार्ड है, जिसमें बिल्डर अभी आपको 10% का इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं। सो प्राइसिंग आपकी आ जाती है 1.35 लाख पर स्क्वायर यार्ड, और ईडीसी की बात करूं तो 10,650 का ईडीसी आईडीसी है और पीएलसीएस एप्लीकेबल। सो मोटा मोटा कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है 2.90 सीआर से। नॉर्मल प्लॉटिंग है, अच्छी लोकेशन है, और कनेक्टिविटी भी अब चाहे NH8 से हो, न्यू गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव, डेली, हर तरफ से अच्छी कनेक्टिविटी है। देखिए एक चीज़ तो मैं और भी कहना चाहूँगा कि DDJ में प्लॉटिंग और भी आएंगी और हाई राइज और भी आएंगी, बट जो लोकेशन है लोकेशन रिपीट नहीं होने वाली, क्योंकि लोकेशन अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करो तो बड़ी लिमिटेड आपकी लोकेशन रह रही है जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और ये लोकेशन मैंने आपको बताया जैसे काफ़ी अच्छी है। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट रहेजा राष्ट्र प्रोजेक्ट इन सेक्टर 88 द्वारका एक्सप्रेसवे। सो अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो ये SCOs भी आ रहे हैं, SCOs के साइज भी इनके 85 to 125 है, और कहीं ना कहीं प्राइसिंग 3.5 से 3.5 स्क्वायर यार्ड प्लस 30 से 35 हज़ार आपका ईडीसी रहने वाला है। सो उसमें भी आप देख सकते हो, बाकी कमर्शियल की अभी कोई डिटेल इन्होंने रिवील नहीं की, और हाई राइज भी आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट रहेगी, तो आपने जैसे देखा होगा कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट वहां पे आ रही है। सो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी कोई आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जिसमें मैं डिटेल डालता रहता हूँ जो गुड़गांव रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करती है, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।